अनुशार मैं हूं देवांशी मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो चुकी, जहां फिल्म को लेकर दर्शकों की तरफ से बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वहीं बॉलीवुड हस्तियां भी इस फिल्म पर अपने रिएक्शन देने से खुद को नहीं रोक पा रहे। अब बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने भी फिल्म को लेकर अपना रिव्यू दिया। बता दें कि शेरशाह फिल्म में हमें सिद्धार्थ कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात अच्छी है कि इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड स्टार्स भी अब खूब ट्वीट कर रहे हैं। हाल ही में कटरीना कैफ ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद अब किंग खान ने फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। शाहरुख खान ने शेरशाह देखने के बाद ट्वीट कर लिखा, यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं खोजा है जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है तो वो जीने के योग्य नहीं। किंग जूनियर, मैं इस वक्त हमारे कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा पर बनी फिल्म शेरशाह देख रहा हूं। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे इस कहावत का असली मतलब समझ आता है। शेरशाह में सिद्धार्थ की गजब की परफॉर्मेंस जरूर देखिए। वहीं शाहरुख खान के ट्वीट के बाद करण जौहर ने उनको धन्यवाद कहते हुए उनके ट्वीट को रिट्वीट किया। करण जौहर ने लिखा, आपको बहुत सारा प्यार भाई, शेरशाह की पूरी टीम आपका ट्वीट पढ़कर बेहद उत्साहित है, शुक्रिया। बता दें कि शेरशाह का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर दमदार प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई थी, जहां इस फिल्म के लिए फिल्म की टीम ने खूब मेहनत की, जिसे हम इस फिल्म में भी देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म के एक्शन सीन्स को कारगिल के ग्राउंड जीरो पर शूट किया गया। सिद्धार्थ ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये उनके जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म रही, जहां उन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर फिल्म के एक्शन सीन को शूट किया। वही कियारा का रोल फिल्म में बहुत ही छोटा है, लेकिन उन्होंने भी लाजवाब काम किया। कियारा ने इस फिल्म में विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा का किरदार निभाया, जहां वो इस फिल्म में काफी खूबसूरत अंदाज में नजर आई। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं। फिल्म को ज्यादातर 3.5 से लेकर 4 स्टार्स मिले। इतना ही नहीं, इंडियन मूवी डेटाबेस यानी IMDB पर इस फिल्म को 8.8/10 रेटिंग मिली। ये रेटिंग्स दर्शकों द्वारा मिलती। कहना गलत नहीं होगा कि शेरशाह सिद्धार्थ के करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। बात करें शाहरुख खान की, तो जल्द ही अब बॉलीवुड में अपनी वापसी करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार, जहां वो इन दिनों मुंबई में अपनी अगली फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग को सितंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद अब ये फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज की जा सकती है। देखना होगा कि शाहरुख की इस फिल्म को दर्शक कितना प्यार देते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।